रामायण महाकाव्य की मूल रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन अन्य संत वेद और पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि द्वारा भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की गई। ऐसे में प्रत्येक संस्करणों में अलग अलग तरीके से रामायण की कहानी का वर्णन मिलता है। रामायण से जुड़े प्रचलित किस्सों से सभी लोग परिचित हैं और रामायण के मूल चरित्रों के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। भगवान राम से जुड़े हर किस्से को भी लोग जानते हैं, जैसे कि भगवान राम राजा दशरथ और देवी कौशल्या के पुत्र थे। भगवान राम के तीन भाई थे जिनका नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था, लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, और शांता सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। रामायण महाकाव्य में देवी शांता का जिक्र बहुत कम ही सुनने को मिलता है, इसलिए बहुत कम लोगों को पता है कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी। देवी शांता राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को किसी दूसरे राजा को गोद दे दिया, इसलिए रामायण में देवी शांता का जिक्र कम ही सुनने को मिलता है और राम जी समेत अन्य चारों भाइयों की चर्चा बहुत अधिक होती है। देवी शांता को लेकर अलग अलग मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद अपनी पत्नी रानी बलसिणी के साथ अयोध्या आए थे। राजा रोमपद और बलसिणी को कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, आप मेरी पुत्री शांता को संतान के रूप में रख लीजिए। राजा दशरथ की यह बात सुनकर रोमपद और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने शांता को गोद में लेकर बहुत ही स्नेह पूर्वक उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से कुछ बात कर रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने राजा रोमपद से प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्षा के दिनों में वे खेती की जुताई में राज दरबार की ओर से कुछ मदद करने की कृपा करें, लेकिन राजा शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की बात नहीं सुनी। ऐसे में द्वार पर आए हुए जरूरतमंद ब्राह्मण की याचना ना सुनने पर उसे बहुत दुख हुआ। वह ब्राह्मण राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। इंद्रदेव अपने भक्त का दुख देख राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की, इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझा गईं, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस संकट की समस्या के लिए राजा रोमपद ऋष्यशृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराना चाहिए। इसके बाद राजा रोमपद ने ऋष्यशृंग ऋषि से यज्ञ कराया। इसके बाद राज्य के खेत खलिहान पानी में भर गए। राजा रोमपद ने ऋष्यशृंग ऋषि के साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह करा दिया और इसके बाद दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋष्यशृंग ऋषि ने ही राजा दशरथ को वंश चलाने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का आदेश दिया था। इस यज्ञ के बाद राम, भरत और जुड़वा दो बच्चे जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न था, उनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में आज भी ऋष्यशृंग ऋषि आश्रम है और यहाँ उनकी और देवी शांता की समाधि है। हिमाचल में कुल्लू से करीब 50 किलोमीटर दूर देवी शांता का एक प्राचीन मंदिर है जहाँ नियमित रूप से उनकी पूजा होती है। तो दोस्तों बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें।